हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बहुत दिन हो चुके थे ब्लॉग में बनाए नहीं थे। मैंने सोचा आज चलो कुछ बनाते हैं, तो हलवा बना रही हूँ और ये बाबू आने वाला है उसके लिए और अन्या के लिए। तो नॉर्मली अगर मैं बाबू को हलवा दूँ तो खाता नहीं था। शुरू शुरू में बनाती थी तो खाता नहीं था, तो बाद में एक बार मैंने ट्रिक आजमाया, बस उसको बर्फी की तरह कट कर देती हूँ ना तो खा लेता है। और अभी मैंने सब काम कर लिया है तो दोपहर का नाश्ता का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ जिससे मतलब हेल्दी भी हो और बच्चे खाए भी। तो मैंने सोचा कि चलो आज हलवा बना देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। इनके पापा तो नहीं खाते, आज है भी नहीं, आज गाड़ी बिगड़ गया था तो गए हैं गैरेज में। और आज बहुत ज़्यादा काम है, गोदाम में सारा सामान बिखरा हुआ है। सोच रहे हैं देखिए कब आएंगे। आज का प्लान यही था कि दोपहर में अन्या सोएंगी तो हम लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। और इस तरह से मैं हलवा को प्लेट पे रख देती हूँ और तब तक पीछे आप देख सकते हैं अन्या जग में पानी लेके आई थी और वो गिरा चुकी हैं, उसको साफ करने में लगी थी। तो इस तरह से इसको दबा दबा के फ्लैट कर देना है और अब इसको मैं ना कट कर दूंगी। तो इतना करने से बाबू मेरा खा लेगा, तो उसका भी स्कूल से आने के बाद का नाश्ता हो चुका है। और अन्या सोच रहे हैं कि मैंने केक बनाया है तो हैप्पी बर्थडे कर रही हैं, क्योंकि मैंने उसको चाकू से कट किया था ना, तो केक हम चाकू से कट करते इसलिए वो हैप्पी बर्थडे मना रही हैं अपना। तो कुछ इस तरह से हम लोग का हलवा बन गया है और अन्या का हलवा ख़त्म हो गया है, उसको मैंने छोटा छोटा तोड़ के दिया था तो मांग रही हैं। और टीवी देखते टाइम ना लेट के वो आराम से खाती हैं तो दिक्कत नहीं होता, खिलाना भी नहीं पड़ता मुझे इस चीज़ के लिए। ले लो पराठा, पराठा खा लो। तातू नहीं है, खा लो। नहीं है बेटा, खाओ। पैर नहीं रखना, नो। हाँ वाह, हटाओ हटाओ, पैर को हटाओ, हटा दो पराठा बेटा, हटा दो। हाँ हटाओ हटाओ। हाँ अब नूनू करके खाओ, नूनू कर लो, नूनू कर लो आराम से। देखो पैर गया, लो खाओ 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 खाओ, नूनू करके खाओ आराम से। गुड। और अभी जस्ट बाबू आ चुका है स्कूल से, मैंने ड्रेस वगैरह इनका चेंज कर दिया है और 10 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल गए हैं, तो इनको तो जाने का मन नहीं था। 2 दिन पहले से मैं इनको ट्रसर देना स्टार्ट कर दी थी कि स्कूल जाना है, तो एक दिन बोल रहा है कि मम्मी प्लीज़ आज नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है कल से जाना, तो आज गए हैं स्कूल और अब जा रही हूँ इनको खाना खिला दूँ। और अभी देखिए दोपहर को ही सब मैंने सेट किया था, फिर बिखर गया है, बच्चे के घर ऐसे ही है, तो इस सब को मैं सेट कर ले रही हूँ। और इनको आए हुए 1.5 घंटा हो गया, आते ही हलवा खा लिए थे और अब खाना खिलाने जा रही हूँ। और अन्या देखिए देखती रहती है, मैं कुछ भी करूँ ना आके देखती रहती है क्या हो रहा है कैसे, और सीखती भी है, झाड़ू वगैरह लेके खुद वो मतलब साफ करने लगती है, तो ये सब करती है। और अभी मैं खाना निकाल चुकी हूँ तो बाबू को खिला दे रही हूँ। अन्या तो इसे खाई हुई है, देखूंगी खाएंगी तो खिला दूंगी इनको भी। तो बस इसी तरह इन्हें खिला देते हैं। और बाबू को खिलाना तो लगभग इजी ही है, उसका फेवरेट मतलब एक अचार है और डाल देती हूँ तो दाल चावल केवल रहेगा तो भी खा लेगा, उसको दिक्कत नहीं है। खिलाना मुश्किल अन्या को ही है, इसलिए तो इनका शरीर भी देखिए इस तरह का है, तो पकड़ पकड़ के इस तरह मैं इन्हें खिलाती रही हूँ। तो चावल तो ज़्यादा नहीं खाई, केवल 2-3 कौर खाई थी। और अब शाम का वक्त हो चुका है, लगभग मतलब रात ही हो गया है, अभी 7 बज रहे हैं और अभी तक इनके पापा आए नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी खाना बना ले रही हूँ, उसके बाद काम है बाहर तो उसके बाद करना है। तो आज नॉर्मल में कुछ बना नहीं रही हूँ, लौकी था और नेनुआ था तो दोनों थोड़ा थोड़ा ही था, तो मैंने सोचा मिक्स करके इसको बना दे रही हूँ, बाबू खा लेता है तो बाबू का आज सब्जी रोटी यही दूंगी तो खा लेगा वो। और इसे भी शाम को ही भात खाया था तो उसको भूख तो लगा नहीं होगा, तो इसको छोटे छोटे मैं कट कर ली हूँ और
नॉर्मली मैंने तेल में ऐसे फ्राई करके इसको बना रही हूँ। इसमें तो मिर्चा भी नहीं डालूंगी क्योंकि ये सब्जी मुझे ही केवल खाना है, और इनके पापा के लिए रात का मशरूम का सब्जी बचा हुआ है, मैंने फ्रिज में रखा था तो खा लेंगे, क्योंकि उनको लौकी वगैरह उतना पसंद नहीं है तो वो नहीं खाते हैं, तो मैं बस ऐसे कुछ भी बना देती हूँ, उसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, उनको खाना होता है तो थोड़ा स्पेशल करना रहता है। और देखिए काम कर रही थी तो आन्या भी आ चुकी हैं काम कराने, तो देखती रहती है, अगर कहीं मेरा हेल्प का ज़रूरत उन्हें लगता है कि है तो आके कराने लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी अभी कट कर ली हैं और इसको बस नमक डाल के, नमक हल्दी डाल के इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे हम उनका सब्जी भी रेडी हो गया है और रोटी बनाना है। तो आटा को मैं गूंथ के रख दे रही हूँ, थोड़ा देर बाद बनाऊंगी क्योंकि गर्मा गर्म ही रोटी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे देखिए बाहर इतना सामान हम लोग अभी गोदाम से निकाले हैं, चूहा बहुत हो गए हैं तो इस वजह से आज साफ सफाई कर रहे हैं। अभी रात के 8:30 हो चुके हैं, देखिए कब आ रहे हैं इनके पापा। अब मैं सोच रही ना बना अन्ने को खिला के सुला दूँ तो आराम से काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी में ये घोल दे रहे, इसको लीटू बोलते हैं, यहाँ पे सातू की तरह होता है, मतलब सब मिक्स रहता है, सातू उसके बाद चना वगैरह हर चीज़ इसमें मिक्स रहता है। तो इसको इस आने को ना पहले मैंने होममेड बनाया था, उसको पसंद ही नहीं आया तो ये खरीद के लाई थी तो ये खाती है। और यहाँ पे मैंने प्रोटीन पाउडर घर पे ही बनाया था, तो मार्केट का पता नहीं वो सब डालते हैं कि नहीं, उसे तो बोलते हैं कि डालते हैं, फिर भी मैं ऊपर से डाल देती हूँ। तो इस तरह से इनका खाना तो रेडी हो गया है, अब इनको खिलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए अब इनको खिलाते हैं, तब तक देखिए आन्या क्या कर रही है अपने भैया के साथ। और मैं सोचती हूँ कि ना बच्चों में गैप ज़्यादा नहीं है, तो बाबू क्या पता उसमें जलन आ जाए कि मम्मी बहनी का ज़्यादा ध्यान रखती है मेरा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसका उल्टा ही हुआ। अगर मैं कभी भी आन्या को डांट देती हूँ तो मुझे ही लगता है बाबू डांटने कि कितनी प्यारी है, क्यों डांटी हो बोल के, तो मतलब ये लोग एक दूसरे से प्यार ही करते हैं। और बाबू भी कभी कभार गिर भी जाता है ना तो इतना रोती है आन्या जैसे उसको ही चोट लग गया है, तो इन सब में प्यार है उसका, मुझे कोई मतलब कोई किसी से मतलब वो नहीं करता कि मम्मी किसी और को ज़्यादा प्यार करती हैं। और देखिए अब इनको खाना खिलाना भी, वो कहाँ कहाँ चढ़ के खाती हैं तो इस तरह पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। इसके बाद मैंने इनको सुला दिया था और हम लोग काम करने लगे थे। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।